फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नासरीन। लकी मरवत में इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा हैं, जबकि एहतजाज करने वालों का मुतालबा है कि फ़ौज को हमारे इलाके से निकालो। हम लोग अपने साथ कफन लेकर आए हैं और हमें जिसने मारना है मार दे। नासरीन, आप पहले ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। अब मैं बात करूंगा, पहले ये बताओ कि मेरी बात मानोगे या नहीं। अगर मानने वाली हुई सर मानेंगे, अगर मानने वाली बात हुई हम जरूर मानेंगे। अगर मानोगे तो फिर मैं बात करूंगा। सर जी, हमारी एक मुतालबा है, अगर वो है तो ठीक है, वरना पर्सन न करो। अच्छा, आर्मी जिले से निकलेगी, हमारे लकी मरवत से आर्मी निकलेगी। हमने अब कफन लेके आए हैं, अपना कफन लेके आए हैं। सर जी, ये आखिरी है, बस ये आखिरी बात है। खुश हो, इधर क्यों रखेंगे? आने दो, मर रहे हैं, हमने मरना है। नासिर, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि लकी मरवत की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है, जहां पुलिस के जवान एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौज को हमारे इलाके से निकाला जाए, क्योंकि हमें इन पर कोई एतमाद नहीं और ये जो दहशतगर्दी हो रही है इनके पीछे इन्हीं का हाथ है। इसी तरह नासिर, बलूचिस्तान भी हाथ से निकल चुका है। वहाँ पर हकूमत और असम्बली में आवाम के नुमाइंदे नहीं बल्कि फार्म 47 के लोग बैठे हुए हैं। नासिर, आखिर कभी किसी ने ऐसा सोचा कि ये फौज को यहाँ से निकालने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? आखिर पुलिस के जवानों को किसने मजबूर किया कि वो इस हद तक जाएं? नासिर, आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।